जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो दो लाइन हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वो किसी से कम नहीं, जो नहीं है वो एक ख्वाब है और जो है वो लाजवाब है। एक कहानी है डॉक्टर और मरीज की, ठीक है। एक दिन एक व्यक्ति के पैर के अंगूठे में चोट लग गई और वह डॉक्टर के पास पहुंचा। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने जांच की और कहा, भैया अंगूठा काटना पड़ेगा क्योंकि जहर फैल गया है। मरीज ने कहा, डॉक्टर साहब अंगूठा यदि कट जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा, आप तो दवाई दे दो और कैसे भी हो ठीक कर दो। डॉक्टर ने कहा, ठीक है कोशिश करते हैं। फिर मरीज 8 दिन बाद डॉक्टर के पास गया और कहा, अब तो पूरे पंजे में दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने जांच की और कहा, भैया अब तो पूरे पंजे में जहर फैल गया है, पूरे पंजा काटना पड़ेगा। मरीज ने कहा, ऐसा नहीं करो डॉक्टर साहब, अंगूठा काट दो, पंजा रहने दो। कुछ दिन बाद फिर मरीज 15 दिन बाद वापस डॉक्टर के पास गया तो घुटने तक दर्द हो गया था। डॉक्टर ने जांच की और कहा, भैया अब तो आधा पैर काटना पड़ेगा। मरीज ने कहा कि आप तो पंजा काट दो और घुटने को रहने दो। कुछ दिन बाद फिर मरीज वापस आता है और कहता है, जो डॉक्टर साहब मेरा पूरा बदन में दर्द हो रहा है। इससे डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब तो पूरा शरीर में जहर फैल गया है और उसी समय मरीज का मृत्यु हो जाता है। एक छोटे से घाव पर ध्यान न देने से वह बटकर जान ले सकता है। इसी प्रकार मन की क्रोध मान लोभ को कम समझकर उसकी अपेक्षा मत करो। कसाय जहां उत्पन्न हो उसे वहीं शांत करने का प्रयास करो, क्योंकि दुख सदैव दुख का कारण होती है। इस कहानी से हमें यही समझ में आता है कि हर एक छोटा सा छोटा वो काम हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए कल के लिए। इसीलिए कहा जाता है, कल करो सो आज करो, जो नहीं वो एक ख्वाब है और जो है वो एक लाजवाब है। जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती है वक्त नहीं। किसी के दिल को चोट पहुंचाकर उनसे माफ़ी मांगना तो आसान होता है, पर खुद के दिल पर चोट खाकर किसी को माफ़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। कहते हैं, सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। और तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उससे व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वह महान बनता है।